मम्मी के एक बात निम्मन से गांठ बांध लिया कि आगे से ओकरा साथे दोस्ती ना रहे की चाही। समझ में आए कि ना? हमने का करल बानी? एंजेल, अब भैया तू देखा ना भैया, रिमझिम के तबीयत ठीक नहीं थे। हमने एकरा से दवा दारू खातिर कहत नहीं तो ई हमने के सुनत नहीं थे। यही से हमने इनका के डांटत रहनी है। का बोल रहे, सब ठीक है ना बेटा? हाँ भैया, तू परेशान मत हो का, बस थोड़ा का बुखार लगा रहा ला। अब हम दवाई खा ले बनी कहते, अब सब कुछ ठीक बा। अजीत बेटा, अरे काबिल चाचा जी, रुपये इतना परेशान क्या लगा था नहीं? बेटा घोर अनर तो गल, बेटा घोर अनर। अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं क्या बात। ए बेटा चलो हमारे साथ चलो बेटा। अरे बात का हुआ, पहले बात तो बताई ना। बेटा चला ना घर, चला हमारे घर, चला घर, चला वैसे सब बताई। ए बेटा आ अब अपनी तू लोग भी आ। ए बेटा चला चला बाबू। हम तो बर्बाद हो गए ना बेटा, चलो आप पहले बात तो बताई। सब जल्दी आवा जल्दी आवा बेटा, देखा देखा क्या कह ले बा, देखा हम तो बर्बाद हो गए नहीं है दादा, घोर अनर्थ हो गए बेटा। वो चंडाली कुबुत हमारे घर के दूध दो लड़का के अपना माया जाल में फंसा करके हमारे घर के बर्बाद कर दे। भगवान ओकरा एक गलती खातिर कबहू ना माफ करी, कबहू भी चैन से रह दी ओकरा के।
देखिए बाबूजी, दूसरा के दोष मत दी। ये ब्याह हम अपन मर्जी और अपन पसंद से केले बने, लेकिन हमने के मर्जी नहीं की। तो हमने के मर्जी के खिलाफ ये ब्याह कर कैसे लेला? और कैला भी तो कहाँ कैला? वो धोखेबाज मक्कार के घर में जेकर पूरा जीवन चालबाजी करत करत बीत गए। तरह का लगा हम ही लेकी के अपना घर के बहू मान ले, एक बात कान खोल कर सुन लजिया, हम अगला 7 जन्म में ही लेकी के अपना घर के बहू ना मानब। देख माई, हम यहाँ तार मर्जी और तार फैसला जाने खातिर लिखे, तारा यहाँ आशीर्वाद देवे के बाद तो दे, नहीं के देवे के तो मत दे। हम तो सुधा से ब्याह कर ले बारी, कहीं हमारे पत्नी की सब खिलाफत करी ना, तू हमारे सबसे बड़ दुश्मन बन। और जहाँ तक रहल सुधा के सवाल, तो ओकर ख्याल हम रखब, देव के सहारा की जरूरत नहीं है हमारा। माई बाबूजी के व्यवहार खातिर तरह से माफी मांगा नहीं सोचा। हम बहुत शर्मिंदा बानी की तरह यहाँ पे विधिवत स्वागत ना कर गई। नया दुरीन के साथ जो रीति रिवाज के साथ स्वागत किया जाला, ऐसा तेरे साथ कुछ ना भाई। लेकिन तू चिंता मत कर, घर के द्वारी पर तार स्वागत ना भी तक आओगे। हमारा घर के चौखट पर तार पूरा विधिवत स्वागत हो। हमार माई बाबूजी के कौवा राज से तू घबराइए मत, हम तरह के दिल से अपने बने, भगवान के सामने पूरा मंत्रोच्चार के साथ तोरा अपन धर्म पत्नी मन ले बने। और हम तो जब तक जियब तब तक अपन पति धर्म के पालन करब, हम तरह कबू तकलीफ ना होके दे कबू ना। हम अभी आओ तन सुधा, ये सब कहाँ है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया बस, ये अचानक ही तू कहाँ कर ली लू? और ये ब्याह कब और कैसे भइल? और ई ब्याह के बारे में माई बाबूजी के भी पता बा कि ना? और तू ई फैसला लेवे से पहले एक बार हमरा से पूछ तो ले तू। देखा सुधा, नादानी में तोरा ऐसे कोनो कदम ना उठावे के चाहत रहे, चोना से तोरा या हमनी के परिवार के कोनो भी परेशानी होके बतावा सुधा, ये सब भइल तो कैसे भइल? बताए दीदी, हम सब बताए, हम हर सब सवाल के जवाब दे। बस अब तू कोनो तरह की चिंता ना कर, हम ही जा आगे बात, हम तहार ख्याल रखो, अब हम तहरा ऊपर कोनो आज ना आवे दे। अब हम दोनों बहन साथे मिलके रह जाए, एक दूसरे के दर्द बांटल जाए, बस एक सिवा हमारे के और कुछ होना चाहिए दीदी। बाप रे बाप! भगवान, कौन करिया कोई ना से हमें के कर्म लिख देला।
वो चार सात खानदान हमनी के पूरा परिवार के बर्बाद कर देलन। हमनी के दोनों लड़का के अपना जाल साथी में फंसा देलन। हमनी के आंखी के सामने सब कुछ हो गई और हमने कुछ ना कर पाई, कुछ ना। हमरा अजीत के जिंदगी बर्बाद करके भी उतना करेजा ना जुड़ाई, तब पता हमरा चिराग के भी फंसा के और जिंदगी बर्बाद कर देलन। हे भगवान, हमरा तो कुछ नहीं कह बुझा कि कौन ने जन्म के पतला ले रहा बाड़ा। गलती नहीं अब बस करे, भगवान ओखने के कब माफ ना करिया। जे हमने के घोसला उजाड़ल से ओकरो घर बर्बाद हो जाए, ओकरो घर बर्बाद हो जाए। मलकिनी अब बस करे, मलकिनी रहो रहो, अब तो राहुल तबीयत खराब हो जाए। अब चुप करे मलकिनी, चुप करे, चुप करे। रोजी दवाई घर के बड़ पुतो हैं, स्वागत करें इनका। अरे रो का सोच रहे बानी भौजी, दवाई घर के बड़ पुतो है के साथ साथ सुधा के बहन भी हैं। ली पूरा रीति रिवाज के साथ अपन नैकी पुतो के स्वागत करें। छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल दे।
कुछ नहीं की कर सकत। और रवा के चाला ना चाले से कुछ नहीं के होके वाला चाची, मछली में हल्दी लाग चुकल बा, पैसा तो हम देवे के पड़ी ना, चाहे जैसे भी भाई ई बिया तो हो चुकल बा। अरे अजीब भैया के साथ तो यह सब भइल रहे ना, ओकरा बाद भी आज तक हमने कुछ ना कर पाउनी, जबकि ओहिजे तो मामला और उल्टा रहे। अजीत भैया विभाग के खिलाफ रह ले, अरे एजा एजा तो चिराग सुधा के साथ है बा। तब रवे सोची रवा का कर सकेले। हाँ चाची, रवा वो लड़की के घर से निकालने की बात कर रवानी ना, जबकि ओजा भीतर विभा अपनी बहन की आरती उतार के स्वागत कर रवानी। लीला ना भैया, हमने तो पहले ही कहले रहनी हो और बार बार साबित भी कहनी हो, आज हमार बात 16 आना सच होके सामने भी आ गई बा। ये सब कुछ ये दोनों बहन और एकनी परिवार का चाल हो, ये सब मिलके चिराग के फसौले बाड़न सर।